back children to the second part of the chapter, that is advanced features of MS Word 2007. In this chapter we are going to learn the second topic, is replacing the text. In this topic we can learn how to replace the text. So children, let's get started. So besides searching the text, you can also replace the words or phrases with any alternate text. So to replace the text, follow these given procedures. So the first one is, click on the replace button in the editing group on the home tab. मतलब जब हम पहले क्लिक करेंगे रिप्लेस बटन पे, हमें वो कहाँ मिलेगा? होम टैब पर. सेकेंड, इन वॉट, फाइंड वॉट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वॉन्ट टू सर्च फॉर. इन फाइंड वॉट बॉक्स हमें कब मिलेगा? वेन एवर वी क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन, देन देयर आर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी देयर आर अ ऑप्शन ऑफ द फाइंड वॉट. जब आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा तो आपको वहाँ पे फाइंड वॉट का ऑप्शन मिलेगा, और इस फाइंड वॉट बॉक्स ऑप्शन में हम क्या करेंगे? टाइप द टेक्स्ट दैट यू वॉन्ट टू सर्च फॉर. आप उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे जिसे आपको सर्च करना है. इन रिप्लेस विथ, ओके, उसके बाद वही उसी बॉक्स में आपको रिप्लेस विथ का ऑप्शन मिलेगा, वेयर द बॉक्स एंटर द न्यू टेक्स्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा, उसमें आप एक नया टेक्स्ट डाल के उसको, उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप नया टेक्स्ट लिख सकते हैं. एंड देन क्लिक ऑन द मोर बटन, क्लिक ऑन द मोर बटन टू सेलेक्ट द अदर ऑप्शंस इफ यू रिक्वायर, एंड क्लिक ऑन द आइदर द रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड वॉट, कैंसिल बटन एज नीडेड. उसके बाद आप क्या करेंगे? क्लिक ऑन आइदर. अब आपको जो भी क्लिक करना है, जिस पे भी क्लिक करना है कि आप रिप्लेस करना चाहते हो एक टर्म को, या रिप्लेस ऑल आप पूरे टेक्स्ट को, या फिर फाइंड नेक्स्ट, आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या ओवरऑल डायलॉग बॉक्स को आप कैंसिल भी कर सकते हैं बाय क्लिक ऑन द कैंसिल बटन. नाउ नेक्स्ट, व्हेन वर्ड हैज़ फिनिश्ड द सर्चिंग फॉर द वर्ड हैज़ मेड रिप्लेसमेंट्स, अ मैसेज बॉक्स अपीयर्स. जब आपका वर्ड पूरी सर्चिंग को फिनिश कर देगा तब, या फिर आपके रिप्लेसमेंट को कंप्लीट कर देगा, तब आपके पास एक मैसेज बॉक्स अपीयर्स होगा, एक मैसेज बॉक्स आएगा, एंड उस मैसेज बॉक्स पे आपको ओके क्लिक कर देना है. आफ्टर दैट यू कैन सी योर टेक्स्ट, द न्यू टेक्स्ट विल रिप्लेस विद द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. सो दिस इज़ द प्रोसीजर दैट हाउ टू रिप्लेस द टेक्स्ट. इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं. सो चिल्ड्रेन, देयर आर फोर टर्म्स दैट आई एक्सप्लेन्ड, वॉट इज रिप्लेस, वॉट इज रिप्लेस ऑल, वॉट इज फाइंड नेक्स्ट एंड कैंसिल. रिप्लेस मीन्स दैट दिस बटन चेंजेस द करेंट सर्च टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट, ओके. रिप्लेस ऑल बटन means that this button replaces all the search text with the new text at once. And the find next means that the button will highlight the next occurrence of the text. And the cancel button is used to close the find and replace dialogs box. So this is all about replacing the text. Now children, look at this image. This is that find and replace dialogs box window where you can just find replace options. If you want to replace, just click on the replace button, and here you can type the find word. जो भी text आपको find करना है, जो search करना है, आप उस text को यहाँ पर type करेंगे. उसके बाद आपको जो भी term इस term को किस term से आपको replace करना है, वो new term आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है.
मान लीजिए आपने यहाँ पे द लिखा है तो आपको रिप्लेस में दिस लिखना है, तो ये जो जहाँ जिस पूरे टेक्स्ट में द लिखा होगा वो सब कुछ दिस से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये फोर ऑप्शंस है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट एंड क्लोज। रिप्लेस अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ एक टर्म आपका रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरे टेक्स्ट पे आपका ये रिप्लेस हो सकता है। फाइंड नेक्स्ट या फिर आपको कोई नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज बटन पे अगर आपने क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स विल क्लोज्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट replacing the dialog box. If you want to find, then click on the find button. If you want to replace, then click on the replace button. Thank you and have a nice day.